आजकल मुझे ड्रीम्स में काजू दिखाई देते हैं। काजू मतलब कैश्यू? यस, कैश्यू। स्वीट्स में टॉपिंग्स की तरह सजे हुए कैश्यू, गर्मा गर्म दूध में तैरते हुए कैश्यू, आइसक्रीम में पलके टिमटिमाते हुए कैश्यू, बिरयानी पर नाचते हुए कैश्यू, रोस्टेड एंड स्पाइसी कैश्यू, द किंग ऑफ ड्राई फ्रूट्स। इस कैश्यू ड्रीम का मतलब मुझे मालूम है। तो बताइए योर हाइनेस, द प्रेजेंट डे लेडी इनकार्नेशन ऑफ लेट डॉक्टर सिगमंड फ्रॉयड। अकॉर्डिंग टू सम अरबिक स्कॉलर्स, ड्रीम में कैश्यू दिखना मतलब धन लाभ। धन लाभ? यू मीन इनकम, वो भी काजू से? कैश्यू से बहुत इनकम होती है, ये तो कोई भी कैश्यू ट्रेडर बता देगा। सबसे पहले ये बताओ कि काजू को किसने और कैसे खोजा? 1563 के आसपास इंडिया में पहली बार पोर्चुगीज मिशनरी गोवा में कैश्यू के ट्री को सॉइल इरोजन कंट्रोल करने के लिए ले आए थे। मतलब उन्हें ये पता नहीं था कि काजू को खाते भी हैं। काजू को खाया भी जा सकता है, ये डिस्कवरी 18th सेंचुरी में इंडिया में ही हुई थी, जब पुर्तगाल से गोवा को आजाद करवाने के लिए लड़ रहे कुछ लोगों को प्रिजन में डाला गया, और वहाँ उन्होंने डिस्कवर किया कि कैश्यू नट को खाया भी जा सकता है। मगर इससे पहले लोग इसे खाते क्यों नहीं थे? काजू के छिलके की वजह से। कैश्यू नट के ऊपर एक जहरीली ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, जिसकी वजह से इसे खा नहीं सकते थे। काजू का छिलका उतारना बहुत लेंदी प्रोसेस है। उन दिनों काजू को कैश्यू एप्पल और पेड़ के तने के लिए उगाया जाता था। 17th सेंचुरी के बाद कुछ लोगों ने इसे खाना तो शुरू कर दिया, मगर उतना पॉपुलर नहीं था। 1891 में ब्रिटेन के कुछ रेसिपी बुक्स में भी कैश्यू का मेंशन है, मगर ये रेसिपीज भी वहाँ ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई थी। फिर 1920 में काजू के छिलके को उतारने के लिए एक कमर्शियल प्रोसेस डेवलप हुआ, और काजू मार्केट में उसी तरह मिलने लगा जैसे आजकल मिलता है, जिसे हम रेडी टू ईट कैश्यू नट भी कह सकते हैं। मतलब काजू खाने के लिए फिट और रेसिपीज में हिट नहीं था, क्योंकि छिलका उतारने में पापड़ बेलने पड़ते थे। एग्जैक्टली। अमेरिकन इंडियंस अपने घर बनाने में काजू की छाल यूज करते थे, इसकी वजह से कीड़े मकोड़े उनके घर से दूर रहते थे। अगर अमेरिकन इंडियंस ने कैश्यू ट्री यूज किए, तो इसका मतलब ये प्लांट कम से कम 3000 से 4000 साल पुराना है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। हालांकि अमेरिकन इंडियंस के बारे में हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो 1500 के बाद की ही मिलती है, जब नॉर्थ अमेरिका को यूरोपियंस ने इन्वेड किया था। अमेरिकन इंडियंस की तरह साउथ इंडियंस काजू का इस्तेमाल घर से व्हाइट एंट्स को दूर रखने के लिए करते थे। काजू की छाल और पत्तियों का इस्तेमाल यूरोप और कई वेस्टर्न कंट्रीज में बीमारियों के इलाज में किया जाता है, जैसे कि जुकाम, खांसी, बुखार, स्किन प्रॉब्लम्स। लिस्ट बहुत लंबी है। कितनी लंबी? इतनी लंबी थी कि 16th सेंचुरी में काजू के इंडिया में आने के बाद आयुर्वेद ने कैश्यू को अपनी मेडिसिन में शामिल कर लिया। ओह, वैसे काजू की ओरिजिनल स्टोरी क्या है? कैश्यू ट्रीज को सबसे पहले साउथ अमेरिका में खोजा गया, मगर तब भी कैश्यू नट का इस्तेमाल खाने में नहीं होता था। फिर माना जाता है कि स्पैनिश सेलर्स इसे सेंट्रल अमेरिका लाए। यहाँ इस पेड़ पर पोर्चुगीज मिशनरीज की नजर पड़ी। उन्होंने काजू को ईस्ट इंडीज और अफ्रीका की हवा खिलाई, मगर ये हवा काजू को उतनी रास नहीं आई। फिर उसे इंडिया लाया गया। हाँ, पोर्चुगीज मिशनरीज इसे इंडिया लाए। इंडिया के वेस्टर्न घाट में गोवा, महाराष्ट्र, केरला और कर्नाटका का मौसम काजू को पसंद आ गया। इससे पहले काजू के घर कहाँ कहाँ थे? जहाँ जहाँ काजू के नाम रखे गए, जैसे कैश्यू को स्पैनिश में काहोई, ब्राजील लैंग्वेज में अकाजू और पोर्चुगीज लैंग्वेज में काजू कहा जाता था। और इंग्लिश में तो हम इसे कैश्यू कहते ही हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है ना, जैसे इंडिया में कई स्टेट्स ने काजू को डिफरेंट नेम्स दिए हैं। ऑब्वियसली, आफ्टर ऑल इंडिया में कैश्यू इतना पॉपुलर भी तो हुआ, और इतने बड़े स्केल पर कमर्शियल एक्टिविटी भी शुरू हुई। वो कैसे? 16th सेंचुरी के लास्ट डिकेड्स में काजू के पेड़ ने गोवा, कर्नाटका और केरला में अपने लिए जगह बनाई। उसके बाद काजू की जर्नी में नया ट्विस्ट आया, जब श्रीलंका के मिस्टर रॉश विक्टोरिया और चेन्नई के मिस्टर स्वामीनाथन ने 1920 में केरला के क्विहिलोहान में काजू की पहली कमर्शियल प्रोसेसिंग यूनिट एस्टैब्लिश की थी। तो इंटरनेशनल मार्केट में इस तरह कैश्यू की जर्नी शुरू हुई। मिस्टर रॉश विक्टोरिया ने कैश्यू की पैकिंग की ऐसी टेक्निक डेवलप की, जिसने कैश्यू को इंडिया में वर्ल्ड फेमस कर दिया। इंडिया में वर्ल्ड फेमस? इंडिया में वर्ल्ड फेमस इसलिए कर दिया, बिकॉज इंग्लैंड के WT एंडरसन ने क्विहिलोहान में इंडियन नट कंपनी की फाउंडेशन डाली। इस नट कंपनी ने काजू को चाय एक्सपोर्ट करने वाली लकड़ी के बॉक्सों में भरा और नट बोल्ट टाइट करके 1924 के आसपास अमेरिका रवाना कर दिया। मतलब इंडिया से काजू एक्सपोर्ट होने लगे। हाँ,
काजू के टेस्ट ने कमाल कर दिया। वर्ल्ड वाइड कलिनरी कल्चर में काजू ने बड़ी तेजी से अपने पांव जमाए और एकदम घुल मिल गया। 1924 में इंडिया ने 45 टन काजू एक्सपोर्ट किया था, जो 1939 में 1350 टन हो गया। मेरे देश की धरती काजू उगले, सिर्फ उगले नहीं प्रोसेस भी करे, और इतना प्रोसेस करे कि अफ्रीका से भी प्रोसेसिंग के लिए रॉ कैश्यू आने लगे। मतलब इंडिया दुनिया की अल्टीमेट काजू किंगडम बन गया। डेफिनेटली, इवन टुडे इंडिया कैश्यू कल्टीवेशन में हर साल 5th या 6th रैंक पर रहता है और प्रोसेसिंग के मामले में नंबर 1 है। 1970s में तो काजू के ग्लोबल ट्रेड पर इंडिया ने एक तरह की मोनोपोली बना ली थी। उसके बाद और भी कंट्रीज को काजू पे थोड़ा लाड़ प्यार आया और वहाँ भी काजू उगाया और प्रोसेस किया जाने लगा। कैश्यू की डिमांड भी तो बढ़ रही थी। हम लोग हर साल 10 लाख टन से ज्यादा काजू प्रोसेस करते हैं। पिछले कुछ सालों में दुनिया का तकरीबन 70% काजू इंडिया में प्रोसेस हुआ है। अब तो मुझे हर जगह बस काजू नजर आएगा। काजू के पेड़ से और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं जो डेली लाइफ में काम आती हैं। अच्छा, काजू की ट्री से मिलने वाला कैश्यू नट शेल लिक्विड लकड़ी को टर्माइट प्रूफ बनाता है। काजू की पॉइजनस लेयर को भी इमल्शंस और पेंट्स में यूज किया जाता है, मतलब काजू का पूरा तेल निकल जाता है। वैसे कैश्यू ऑयल साउथ इंडिया में भी पॉपुलर है, जिसे कुकिंग, मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं। वैसे लोग कैश्यू ऑयल को फटी हुई एड़ियों पर भी लगाते हैं। मतलब सर से पांव तक काजू ही काजू। ठीक है काजू देव, आइए जी भर के आइए मेरे सपनों में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम एपिक।